पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, जहाँ नशे में धुत कलयुगी बाप ने अपनी डेढ़ माह की पुत्री को गले दबाकर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, नशे में धुत पिता ने अपने डेढ़ माह की पुत्री को गला दबाकर मार डाला। यह मामला मझौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 की है। थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि यह बाबर हत्यारे की पत्नी गोल्डी देवी ने आवेदन देकर कहा है कि दिन में उसके पति अंकित पांडे 25 वर्षीय, पिता कमलेश पांडे घर बैठनिया घर आया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हुए कहने लगा कि तुम बार बार लड़के को लड़की को जन्म देती हो, उसका पालन पोषण कौन करेगा और कैसे शादी विवाह किया जाएगा। मारपीट करने के उपरांत उसके पति ने डेढ़ माह की बच्ची मुन्नी कुमारी को गला दबा कर मार डाला और सबको बेल घाटी नहर के पास 55 पुल के समीप दफना दिया। साथ में समसाया की बेटी को मार दिया हूँ, हल्ला करोगी तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा। आवेदिका ने बताया कि वह डर से चुप रही, लेकिन इसकी सूचना अपने मायके पुजहा पटवरिया में दे दी। इस घटना को खबर मिलते ही आवेदिका के पिता, चाचा, भाई, अन्य परिजन मझलिया आ पहुंचे तथा सबको गड्ढे से निकाल कर पुलिस को सौंप दिया। गोल्डी देवी ने थाना में आवेदन देकर अपने पति अंकित पांडे, सास उर्मिला देवी का नामजद किया है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेतिया भेज दिया। इधर आरोपी घर छोड़कर फरार है। इस घटना में मझौलिया में सनसनी मच गई है। जी हाँ, बता दें कलयुगी बाप के लिए ग्रामीणों व परिजन सभी आक्रोश जता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए लड़का और लड़की दोनों का होना अनिवार्य है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। बताते चले कि अंकित पांडे अपनी पत्नी को बराबर मारा पीटा करता था।